राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण सीईओ दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने किया शिवपुरी जिले का दौरा, विकसित भारत संकल्प यात्रा और जन जन कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी ली। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण सीईओ दीप्ति गौड़ मुखर्जी शुक्रवार को शिवपुरी जिले के दौरे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा और जन मन कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी ली। सीईओ दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने शिवपुरी जिले के सबसे हाईटेक ग्राम पंचायत हातोद का भ्रमण कर सहरिया आदिवासी बाहुल्य ग्राम हातोद का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा की, जनमन अभियान की जानकारी सहरिया ग्रामीणों के साथ साझा की। हाँ, सबको घर मिलना है, फिर अगली बार में क्या है, फिर उसके बाद में नल, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है ना, तो जो छूट है सरपंच जी उनको आप जोड़ लीजिए, ठीक है। फिर क्या है, जो बना हुआ है वो सड़क है, ठीक है ना, वो थोड़ा अजीब सा बना हुआ। फिर वो बिजली है, तो घर हर घर में बिजली होनी है, ठीक है ना। जो रह गए हैं उनके नाम आपको जुड़वाने हैं, ठीक है ना। फिर क्या है, फिर एक घर बना हुआ है ऐसे करके, इसका मतलब ये है कि शिक्षा के लिए हम एक हॉस्टल की बात करें, तो यहाँ तो क्योंकि स्कूल है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फिर आ रहे हैं कौशल विकास, ये बहुत जरूरी है। इसमें आपको दिख रहा है ना कि बच्चे बैठे हुए हैं और सिखा रहे हैं, तो जो आप नौजवान बच्चे और बच्चियाँ हैं जो पढ़ लिख रहे हैं उनकी सूची आप इसमें बनवाइएगा, ठीक है ना। फिर उनका कौशल विकास होगा, यानी कि किसी कोई जैसे मैंने अभी बताया, जैसे ये लड़की है ये पढ़ी लिखी थी तो ये लड़का था वो अभी, है ना। अगर मान लो उसको खाना बनाना अच्छा लगता है, हो सकता है उसको आप क्या बोलते हैं, खाना बनाने की ट्रेनिंग करा सकते हैं, होटल वाली ट्रेनिंग करा सकते हैं, है ना। तो जिसकी जो रुचि है उसके हिसाब से उसको उस काम से जोड़ने का हमें प्रयास करना है, ठीक है ना भाई। पर आपको उसे मदद करनी पड़ेगी, ठीक है ना।